सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अर्थ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। फंडामेंटल हो या टेक्निकल एनालिसिस, दोनों तरह के एनालिसिस स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जहां पे टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाता है। दोनों तरह के यूजर्स भी डिफरेंट होते हैं, दोनों का मकसद भी अलग होता है। इस वीडियो में देखेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले कुछ ना कुछ लेवल पे आपको एनालिसिस करना चाहिए। हालांकि अगर आप अपने ब्रोकर या किसी एडवाइजर के थ्रू टिप्स ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो एनालिसिस करना जरूरी है। अब कौन सा एनालिसिस करें इस पे भी डिपेंड करता है। पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। अब फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिसमें कि आप स्टॉक को, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, कमोडिटी हो या करेंसी हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना अगर चाहते हैं तो आप समझना चाहेंगे कि उस स्टॉक की, उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की हालत क्या है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी जाती हैं कंपनी की, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और भी क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लूप इन किया जाता है और उसके बेस पे आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। किसी भी कंपनी की हेल्थ को जानने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओवरऑल मैनेजमेंट का फ्लो कैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसी चल रही हैं, इन लेवल के अंडरस्टैंडिंग्स ली जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के जरिए। इससे आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी की डिटर्मिनेशन करने में भी मदद मिलती है, जिससे कि आपका जो बेस है इन्वेस्टमेंट का वो स्ट्रांग हो जाता है लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए। कुछ की एलिमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले है अर्निंग्स, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, क्या है रेवेन्यू सोर्स, उनके कितने समय से वो रेवेन्यू सोर्स चल रहे हैं, उनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या लग रहा है, ये आपको अर्निंग से पता लग जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन, सिर्फ अर्निंग ही नहीं, अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है लेकिन खर्चे भी उतने हैं तो प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट मार्जिन रेगुलर लेवल पे कंपनी कितना बना रही है, क्वार्टरली, ईयरली लेवल पे आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक और जरिया है जिससे कि आप कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं उसको प्रॉफिट बनाने में। इस रेशियो को इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि लेवरेज, प्रॉफिट्स, मार्जिन, रेवेन्यू, रिटर्निंग वैल्यू द शेयर होल्डर्स को भी मद्देनजर रखती है। फिर है प्राइस टू बुक, ये रेशियो कंपेयर करती है स्टॉक मार्केट की वैल्यू को स्टॉक मार्केट की बुक वैल्यू के साथ। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि अगर कंपनी आज बैंकक्रप्ट हो जाए तो उसके पास क्या बचेगा, ये रेशियो से आपको पता चल जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है, एक टूल है जो कि आपको करंट मार्केट साइज रादर प्राइस ऑफ द कंपनी को कंपेयर करता है ईपीएस अर्निंग पर शेयर के साथ। ये एक इन्वेस्टर को एक बेहतर आइडिया देता है कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए। हालांकि अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमने अलग से वीडियो बनाया है 8 फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स जो कि आपको यूज करने चाहिए अपने एनालिसिस के लिए। ये वीडियो को आप हमारे चैनल अर्थ डिजिटल ब्लॉगर पे देख सकते हैं। अगला एनालिसिस टाइप्स है टेक्निकल एनालिसिस। अब ऑब्वियसली जैसा कि पहला बताया गया ये डिफरेंट है फंडामेंटल एनालिसिस में से। इसमें कि आपको स्टॉक की जो इवैल्यूएशन है, सिक्योरिटी की जो इवैल्यूएशन है उसकी फोरकास्टिंग करनी है ऑन द बेस ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। अब प्राइस मूवमेंट्स आप कैसे देख सकते हैं, चार्ट्स के जरिए। अब ये चार्ट्स आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, नहीं तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल आपको इन तरह के चार्ट्स को करवाती हैं। इनका जो मेजर फोकस होता है, टेक्निकल एनालिसिस का जो मेजर फोकस होता है वो प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर होता है। क्या प्राइस मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है स्टॉक का ऊपर नीचे, कितनी खरीद फरोख्त हो रही है उस स्टॉक की, और भी एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिससे कि कंपनी के उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को फिगर आउट किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक की एलिमेंट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के भी जिसमें कि चार्ट पैटर्न्स हैं, दो तरह के होते हैं। वन इज कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न जो कि एक सिग्नल देता है प्राय ट्रेंड रिपीट करेगा एक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद। मतलब अगर एक ही तरह का ट्रेंड चल रहा है तो एक पॉइंट इन टाइम पे आके
वो ट्रेंड रिपीट होगा, उसको कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। इसी तरीके से रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि सिग्नल देता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन लॉट ऑफ मार्केट कंडीशंस जो कि आपको समझनी होंगी। लेकिन चार्ट पैटर्न्स इस पे अलग से वीडियो बन चुका है, 5 टॉप चार्ट पैटर्न्स दैट यू शुड यूज इन टेक्निकल एनालिसिस, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिर है प्राइस एक्शन जो कि रेफर करता है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को पास्ट में, तो पीछे देखा जाता है कुछ समय, कुछ दिनों को देखा जाता है, कुछ हफ्तों को देखा जाता है, ज्यादा टाइम होराइजन नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी टू गेट एन आइडिया कि क्या प्राइस एक्शन रहा है, किस बेसिस पे प्राइस मूवमेंट हुआ था, ताकि इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है वो समझी जा सके, इसके लिए प्राइस एक्शंस को देखा जाता है। फिर है टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा, करीब 100-120 तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो है MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ये आपको हर तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, चाहे आपकी मोबाइल ऐप ही क्यों ना हो, उसमें मिल जाएगा। इसको यूज करें, यूज करने के तरीके को भी सीखें, और इससे आपको जो फोरकास्टिंग है, फ्यूचर प्राइस है स्टॉक का, उसको निकालने में ईज होगा। फिर है RLS या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस उस पॉइंट को कहा जाता है जब ट्रेडर रेडी होता है स्टॉक को सेल करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है अब प्राइस और नहीं बढ़ेगा, तो ये एक स्टैग्नेंट पॉइंट है जहां पे वो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकता है। वही तरीके से सपोर्ट लेवल है जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जब स्टॉक लगता है ट्रेडर को कि जो स्टॉक का प्राइस है वो इससे नीचे नहीं गिरेगा। तो इन तरह की चीजों को आप समझें, किस तरह से आप इसको इम्बाइब कर सकते हैं, आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाएगी बाय टाइम, और फिर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आपको एक बेसिक लेवल पे समराइजेशन देखनी है तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखता है, वाइल टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को देखता है, प्राइस मूवमेंट्स को देखता है। टाइम होराइजन फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म को आप 5 साल, 10 साल, 20 साल आंक सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म अप्रोच है, इसको आप कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट, कुछ दिनों तक आंक सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, इन्वेस्टर यूज करता है, और वहीं टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर ट्रेड करने के लिए यूज करता है। जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि शुरुआत में बताया गया, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस प्राइस चार्ट्स और मार्केट वॉल्यूम देखता है कि वो जो स्टॉक है उसका वॉल्यूम कितना टर्न आउट हो रहा है एक पॉइंट इन टाइम पे। जितना ज्यादा वॉल्यूम टर्न हो रहा है उसका मतलब कि उस स्टॉक में अभी आप निवेश कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस विजन लेके चलता है प्रेजेंट और पास्ट दोनों का, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ पीछे के एनालिसिस ट्रेंड्स पे देखे जाते हैं और उसके बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक्स को तब बाय किया जाता है जब मार्केट वैल्यू इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, क्योंकि अगर इंट्रेंसिक वैल्यू पे पहुंच गया मतलब कि अब वहां पे आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकते। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखी जाती है, और ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि जल्दी से जल्दी वो शॉर्ट रादर लो प्राइस पे लेके उसको हायर प्राइस पे बेच के अपना प्रॉफिट बनाए और निकले। अगर वो शॉर्टिंग कर रहा है तो इट वर्क्स द अदर वे अराउंड। तो ये है कुछ स्पेसिफिक लेवल की डिफरेंसेस जो आपको समझने चाहिए बिफोर यू पुट योर फीट इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। हमारी एडवाइस तो यही है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, कुछ ना कुछ लेवल पे खुद भी एनालिसिस करें। कोई भी एडवाइजर हो, कोई भी ब्रोकर हो, किसी के भी कहने पे एज इट इज ब्लाइंडली पैसे मत लगाएं। इसको अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट aadigitalblogger.com/research/technical-analysis-fundamental-analysis पे जा सकते हैं इसको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने के लिए। अगर हमसे कुछ मदद चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर के सजेशन के लिए, तो इसी लिंक /free-stock-broker-suggestion पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर तो डेफिनेटली करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।